जिस तरीके से टीम इंडिया में नया दौर शुरू हुआ है वो देखकर हर कोई यहाँ पर थोड़ा सा शॉक्ड जरूर है और थोड़ा सा यहाँ पर खुशी भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज हमने देखी, टेस्ट की टीम बिल्कुल अलग और T20I की टीम बिल्कुल अलग। यहां पर अगर आप देखोगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो तीन T20I मैचेस खेले गए उसमें जो टीम खेलती हुई नजर आई उसका एक भी प्लेयर हमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में नजर नहीं आने वाला है, यानी कि बिल्कुल एक भी प्लेयर जो भी यहां पर T20I सीरीज खेले, स्क्वाड जो है वो पूरे तरीके से बदल चुका है, जो ये दिखाता है कि टीम इंडिया का पूल जो है वो कितना बड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ ये भी चीज दिखाता है कि टीम इंडिया यहां पर अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें भी बनाती हुई यहां पर दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो इसमें दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि टेस्ट सीरीज में भी कमाल का डोमिनेशन दिखा टीम इंडिया का, कमाल का प्रदर्शन दिखा, और T20I सीरीज में भी यहां पर बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया टीम इंडिया ने, जबकि दोनों टीमें अलग अलग थी। पूरा जो स्क्वाड था वो हमें बिल्कुल डिफरेंट प्लेइंग 11 जो थी बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिली। अगर यहां पर बात करें बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज की तो उसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, इसके अलावा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू, हार्दिक, रियान, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव और तिलक वर्मा। और अगर आप देखेंगे इंडिया टेस्ट स्क्वाड वर्सेस न्यूजीलैंड तो आप देखेंगे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। एक भी प्लेयर यहां पर दोनों टीमों में सिमिलर नहीं है, दोनों टीमें बिल्कुल अलग अलग है और तीन दिन के अंदर ही दो अलग अलग टीमें हमें एक्शन में देखने को मिल रही हैं। टीम इंडिया का पूल सोचिए कितना बड़ा है। और एक और चीज यहां पर गौर करने वाली यह है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 297 बना दिए एक T20I मैच में, वो ये चीज दिखाता है कि IPL ने कितना बड़ा रोल यहां पर प्ले किया है। IPL में जहां पर हमने सीजन बड़े बड़े स्कोर्स बनते हुए दिखाई दिए थे हमें, और वहीं पर टीम इंडिया जिसमें IPL के बड़े स्टार प्लेयर्स हमें दिखाई दिए बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने भी IPL की तरह ही कमाल का प्रदर्शन किया और भारतीय टीम का T20I क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल यहां पर बनाकर दिखा दिया। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से यहां पर टीम इंडिया की ये दो डिफरेंट टीम्स हैं। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी चार T20I मैचों की सीरीज खेलने के लिए। उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर जाकर भी हमें बिल्कुल डिफरेंट टीम देखने को मिलेगी, यानी कि टेस्ट में जो प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ऐसा ही माना जा रहा है। लेकिन कितना बड़ा ये पूल है, कितने ज्यादा खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए तैयार है, भविष्य की टीम भी आप इसे कह सकते हैं T20I में, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। तो अलग अलग टीमें लेकिन रिजल्ट जो है वो एक ऐसा रिजल्ट है जिससे सामने वाली विरोधी टीम पूरी तरीके से चारों खाने चित नजर आई है। तो इस टीमों पर अलग अलग आपकी क्या राय है आप हमें यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।